तो एक दिन अपना पोपट करवाने के बाद फिर से कोशिश करने वाले लोग तो जा रहे हैं फिर से हम लोग, तो चलो चलते हैं। तो वैसे हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। कार्यक्रम शुरू करते हैं। असुविधा के लिए खेद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, इधर रखा हुआ है एक बैग और एक इधर रखा हुआ है, ये भी इधर बैठा हुआ है, इसका छोड़ दो। वैसे बबलू वगैरह अभी गाड़ी करने हैं, तो उनका आने का वेट करते हैं, क्योंकि आज सुबह में ना 4-5 बजे इधर नहीं आती है टोटो, तो उधर गए तो देखते हैं क्या होता है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट स्टेशन पहुंच के आगे बात करते हैं। तो जाने वाले रास्ते में ब्लॉग शूट नहीं कर रहा, क्योंकि दो दो सूटकेस है, और मतलब कि एक सूटकेस एक बैग है, बट अभी मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, तो वहीं पे जाके डायरेक्ट शूट करते हैं, वहीं पे मिलते हैं स्टेशन पे ही। अभी तक की कहानी कुछ यूँ है कि हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं हावड़ा के लिए। हावड़ा से हम लोग लेने थे दीघा के लिए ट्रेन, तो ट्रेन आने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही पापा मम्मी आए थे स्टेशन पे, तो एक ट्रेन पार हो चुकी है, दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे, देख रहे हैं आज किस्मत कैसी है, किस्मत का भी चेक हो जाएगा आज। एक साल बाद क्राउड में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ फिर से, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। तो जब आप लोग आइएगा 14-15 से इधर, तो ये जब सब जो एरिया है ये मेट्रो के लिए, मेट्रो के लिए एरिया है ये सब। ये एलिवेटर बंद करके रखे हैं पता नहीं क्यों। तो भैया जी हमने लिया है केक, तो चलो इस केक को खाते हैं और चलते हैं पहले बाबा के पास। हाँ तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घाट के, ऊपर से इंजन बहुत आवाज कर रहा है, तो मैं बोलने नहीं दे रहा थोड़ा सा, थोड़ा देर रुक के बोलते हैं आपसे। तो भैया जी जो हमारा कोच है ना वो बहुत ही पीछे है, तो हम लोग जाना चलना बहुत पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ट्रेन तो आ चुकी है, देख सकते हो पीछे हमारी ट्रेन है, और इसकी इंजन अभी कनेक्शन हो रही है, तो वही आपको हम दिखाने लेके आए हैं। देख सकते हैं कि हमारे रेलवे ऑफिसर्स काम में लगे हुए हैं, कुछ देर बाद हमारी ट्रेन आधा एक घंटा बाद चालू हो जाएगी। टाइम कितना हो रहा है अभी, आधा घंटा बाद डायरेक्ट डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अभी अपना मम्मी पापा के पास जाते हैं हम, थोड़ा वहीं पर बैठते हैं पेरेंट्स के पास, क्योंकि अभी पहले बात तो लोकोमोटिव से जो बोगीज़ में करंट आना रहता है वो अभी नहीं आई है, क्योंकि जस्ट अभी अभी ट्रेन लगी है, तो कुछ देर बाद आती है सब, तो वेट कर लेते हैं। लाइफ में फर्स्ट बार ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना था पहली बार तो। और सामने कुछ टिकटॉकर्स बैठे हुए, हमारे 5 टिकटॉकर्स हैं, छपरीपन अभी गाना बजा रहे हैं ट्रेन में, वाह टिकटॉक इंडिया को बर्बाद कर चुका है अभी अंदर से। इस तरीका से मैंने फर्स्ट टाइम इस क्लास में सफ़र करके मतलब देख लिया कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, कोई अपना गाना बजा रहा है, कोई अपना क्या कर रहा है, पता नहीं कि सब अपने मस्त है, कुछ टिकटॉकर्स इंजॉय कर रहे हैं इसी में। तो छोड़ो ये सब बात, वैसे मैं दीघा पहुँच चुका हूँ, स्टेशन पर गाड़ी लग रही है, तो आगे सीन देखते हैं। तो भाई ये रहा कुछ स्टेशन का व्यू, हम दीघा पहुँच चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही क्राउड नहीं है, अभी अभी जस्ट ट्रेन यहाँ पर रुकी है, तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड है कुछ, तो पहले जगह रुक के आपसे बात करते हैं। कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे जाएंगे ना तो सब ऐसे पूछता है, लगता है कि उनके सगे भाई हैं। तो अभी आए हम लोग एक होटल में खाना पीना खाने, क्योंकि हम लोग ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो खाना पीना खा के फिर आपको मिलते हैं। तो भैया जी हम लोग खाना पीना खा के तो निकल चुके हैं, बट बिल बहुत ज़्यादा गिर गया। मैंने 5-स्टार होटल्स में तक खाना खा चुका है, बट 1000 का बिल वो भी 5 आदमी के लिए बहुत ज़्यादा, ऐसा छोटा सा रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़्यादा। हमको भाई सबसे चीप ट्राई कर रहे हैं, ये एक्सपेंसिव पड़ गया। हम सोचे थे कि ऐसे सी फूड के खाते अगर उस एरियाज में तो बहुत सस्ता ही पड़ जाता है। चलो हम लोग का टोटो आ चुका है, तो चलते हैं पहले होटल में, होटल भी चीप ट्राई करूँगा। ये वीडियोटा को लाइक कर दियो, चलिए उड़िया में हम लोग ने सीख ये वीडियो को लाइक कर दियो, उड़िया भाषा है तो चलो उड़िया भाषा हम धीरे धीरे सीख लेंगे टोटल से। चलो आगे देखें, आगे हम लोग का समुद्र दिखने लगा है और टोटल इस पास में। वैसे इस होटल का हमको लग रहा है कि फिर से ये सब डिजाइन बनाए हैं सामने, इससे फोटो भी मस्त है। वाईफाई है ना, हाँ जी, वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई है कुछ।
कुछ इस तरीके का व्यू के बारे में डिस्कशन हो रही है। बाहर का डेकन का ऐसे लगा साथ में सामने बियर बार से वो सट्टाबाजी करने ले जा सकता है। और इधर का ये इलाका, इधर का ये इलाका, उधर समुद्र है। आ रहा अपन, रुक जाओ। चलो अब जो डायरेक्ट जो रूम फाइनल होगा हम वही दिखाएंगे। इंटरेस्ट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इधर साइड में बाथरूम रूम का दे देता हूँ कैसा दिखने में। इधर हम लोग ने बैग खोल के अपना रखा हुआ है और ये एक टीवी है वीडियो कॉन का और साथ में इधर एसी डेकन का। मतलब ये रूम का प्राइस हम लोग को 1000 पड़ा है। और इधर दादाजी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो कि रूम बहुत अच्छा दिया हुआ है, बेड भी अच्छा है और साथ में उधर स्टोरेज है। और इधर मैं अपना वर्क कर सकता हूँ। एक चेयर मांग लिया था कि चेयर दे देना मुझे अपना वर्क थोड़ा एडिटिंग वगैरह जो करना रहता है। और साथ में नीचे स्विच रखने का भी स्पेस है। और इधर एक अलमारी है जिसमें हम लोग अपना कपड़ा रख सकते हैं, तो कुछ ऐसा अलमारी है। अलमारी का भी स्पेस अच्छा खासा है। 1000 में बेस्ट है मेरे हिसाब से, 1000 में बेस्ट रूम है। और आपको अगर इधर से बाहर निकलिएगा जस्ट ये वाला गेट खोल के, तो सबसे पहले आप बाहर निकलते ही समुद्र का व्यू देख सकते हो मेरे पीछे। उधर खतरनाक उधर जस्ट समुद्र है, लाइट बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं दिख रहा है आपको। तुरंत हम लोग समुद्र में जाने वाले हैं, उसके लिए रेडी हो रहे हैं, तो आपको समुद्र का व्यू भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो भैया जी अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से बाहर और हम लोग जा रहे हैं जैसे होटल का व्यू दिखा दो, तो कुछ इस तरीके का होटल है हमारा जस्ट पूरा व्हाइट में, कभी मस्त लग रहा है देख सकते हो। जल्दी जल्दी एक बात बता दूँ आपको कि जब आप गीता स्टेशन पर उतरिएगा ना, तो आपको लुटने के लिए 1000 मिलेगा, तो लुटाइएगा मत कृपया करके। सीधा अपना होटल वेब पर चेक कीजिएगा और जहाँ जाना होगा वेबसाइट्स पर चेक कर लीजिएगा या तो कॉल करके गूगल मैप पे। आपको उम्मीद है मुझे कि आपको जितने भी कम से कम उसमें से 90% होटल्स में ना मैक्सिमम प्राइस वन डे का आपको कम से कम देना पड़ेगा तो 1000, बस उसके अलावा नहीं देना है उससे ज़्यादा। तो हम लोग ने 1000 में लिया है, अगर उससे महंगा लेते हैं तो वो लोग पहले तो जो टोटो वाला लेके आएगा तो मैं उसका पैसा भी वो ले लें, तो वैसे ठगाना मत, हम बता दिए पहले ही। तो अभी दादाजी के लिए हम लोग लेने हैं पैंट, तो ये पैंट ऐसा कुछ पैंट लेंगे हम तो पहने हुए भाई, अब उन फुल सेट रहा था तो दादाजी के लिए ले रहे हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा पैंट लेते हैं। वैसे तो एक ही लेंगे, अभी हम गिरते बहुत बढ़िया, हम गिरते तो हुआ फूट जाता मेरा। तो हम लोग ने पैंट तो ले लिया है, फिर भी दादाजी धोत नहीं है, गमछी लपेट के चल रहे हैं पता नहीं क्यों। अरे बाप रहे इतना ऊँचा, और जो ये इधर का ये इलाका दिख रहा है ना आपको, शाम को इधर मस्त व्यू मिलता है इधर, मतलब कि जो खाने का मन वो मिल जाएगा। वैसे सामने समुद्र है, तो चलो आपको कैमरा स्विच करके दिखाते हैं। तो डुअल वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि सामने का व्यू कैसा है, तो चलो आपको कुछ रिवील करते हैं हम। आप कोने में आपको हम दिख रहे होंगे और उधर पूरा बड़ा इलाका दिख रहा होगा। जिमनास्टिक बनना पड़ेगा रे भैया, सच में बहुत खतरा है, इतना बड़ा बड़ा पत्थर पे चलना आराम से आइएगा, बहुत खतरे की बात है। देखो नीचे तुम्हें दिख रहा होगा कि हम कैसे चल रहे हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड यहीं पर शूट हो जाएगा। चलो अब समुद्र में नहा के मिलते हैं। व्लॉगिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अभी मम्मी पापा बबलू भैया सबको गया है नहाने और हम नहा नहीं सकते, बताओ इतनी बड़ी दुख है। अब मम्मी आएगी, अब मेरा ट्राइपॉड ये सब संभालेगी, उसके बाद हम जाएंगे नहाने। अभी हम बस अभी किनारे पर बैठ के व्लॉग्स आपके लिए शूट कर रहे हैं और कुछ कुछ सीन्स आपके लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी चलो रिकॉर्ड कर। देखो भाई सबसे एक खास बात बता देता हूँ कि अगर तुम्हें समुद्र में खड़ा होना है तो ऐसे तिरछा करके खड़ा होना, अगर तुम ऐसे सीधा करके खड़ा हुए अल्लाह राइट डायरेक्ट जाओगे पानी में। ये मेरा 3-4 बार का एक्सपीरियंस है, तो आपको बता रहा हूँ। ये अगर देखो लहर आ रही है और ये मेरे में टक्कर मारेगी, बट मैं थोड़ा सा मैं नहीं हिलूँगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पानी को काट दे रहा हूँ, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे बहुत बड़ी लहर आ रही है, जाने दो, फोन गया ना तो चल जाएंगे हम। तो अभी हम लोग खा रहे हैं इन भैया सब आइसक्रीम, इनका आइसक्रीम का ठेला है और ऊपर से अभी मम्मी पापा तक आए हैं उधर घूमने और हम आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ तक अभी पानी आया है, यहाँ तक पचने का तरीका आखिरकार भिंजी का। तो अगर तुम्हें बच के रहना, फुल ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, बच के रहना तो थोड़ा मुंडी यहाँ पे रखो, जैसे आया तो बच कर रहा हूँ। फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग अभी और पानी पानी में पानी के अंदर से घूम के आता है एक बार। असल में क्या बात है ना कि पानी के कारण ये वीडियोस वगैरह बंद हो जा रहे हैं और ये बचने के तरीके थे। सबसे आगे चले, सब्सक्राइब करिए, देख लो।
एक भाई बोल रहा लाइक कर देने का, शेयर कर देने का, फ्रेंड सब का लाइक जरूर करवा दीजिएगा। तो वो सबसे आगे हम ही लोग हैं, देख लो एक बार पीछे चलो जाएगा एक बार, ना नीचे नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। नीचे जाने में मजा आ रहा है, जा रहा है। चलो इधर बैठे हैं, समुद्र में नहाने का मजा आना, किसी में अभी मेरे कान में जस्ट पानी निकला है। आप लोग देख सकते हैं कि ये बालक सबसे लास्ट पोजीशन तक जा चुका है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है। देख सकते हो जलपरी लोग बाहर आ गए हैं, थोड़ा इधर देख ले, इधर दे, इधर इधर, अरे इधर आ, मार ले मार ले। इनके लोग यार जलपरी बने हुए हैं, सब शुरू मार रहे हैं, बबलू भी हमारे, हम इधर फोटो खींच रहे हैं, फोटोग्राफर हो गए हम। तो ठीक है, अब चला जाए होटल में, और होटल में मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, रेस्ट करने के बाद, नहा धोने के बाद। अभी नहीं भाई, टिकटॉकर्स देखते हो तुम बीच पे नौटंकी करते हुए, तो सब यहीं से चश्मा खरीदते हैं।